हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी चल रहा है जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से आज हम बात करने वाले हैं सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी चल रहा है। बी फार्मा आठवें सेमेस्टर का इलेक्टिव सब्जेक्ट है और उसका यूनिट नंबर 4, उसका आज लेक्चर नंबर 4 और ये आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का और इसके साथ हम आज यूनिट नंबर 4 खत्म करेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल एनालिसिस, यानी सेल साइकिल क्या होता है इसको समझने की बात करेंगे। देखिए, ओवरऑल मोटा मोटी बात यह है कि जैसे हमारे जीवन में चार चरण होते हैं ना, हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति इंसान होता है तो पहले वो बाल्यावस्था में होता है, 0 से लेकर पैदा होने से लेकर 6 साल तक 8 साल तक, फिर वो जाता है किशोरावस्था में करीब 8 साल से लेकर 14-15-16 साल तक, और फिर वो जाता है जवानी में 18 से लेकर करीब 50 के आसपास 60 के आसपास, और फिर वो जाता है बुढ़ापे। तो ये पूरे चार जीवन के जो चरण है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा। अब आप कहेंगे इसमें काम क्या होते हैं, तो बाल्यावस्था में आप छेड़खानी करते हैं, बदमाशी करते हैं, मोहल्ले के लोगों को परेशान करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, किशोरावस्था में आप पढ़ाई पे, कैरियर पे फोकस करते हैं, जवानी में आप नौकरी करते हैं और बुढ़ापे पे आप केवल कीर्तन भजन करते हैं, संन्यास धारण करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो उसी तरह से हमारी जो कोशिकाएं होती है उनके भी जीवन में चार चरण होते हैं, उन चारों चरण की साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। जैसे हमारे जीवन में चार चरण है, वैसे कोशिकाओं के जीवन में चार चरण है, G1S G2M, यानी उनका बाल्यावस्था जीवन फेज है, उनका किशोरावस्था एस फेज है, उनकी जवानी जो है वो G2 फेज है, उनका बुढ़ापा जो है वो M फेज है। तो G1S G2M चार फेज में हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं की लाइफ साइकिल चलती है। उन सभी फेज में वो कौन सा काम करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, इसी को पढ़ना है। तो इस हिसाब में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन द सेल साइकिल एंड स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, या आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेल एनालिसिस। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज द सेल साइकिल। तो आपको पता है कि सेल क्या है, हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा आधार है वो सेल है। उसके अंदर कई सारे पार्ट है, जैसे कि साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये कई सारे जो पार्ट्स हैं वो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो अब यार हमारा टॉपिक जो है वो सेल साइकिल क्या है, कि भाई किसी भी सेल का बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, यानी उस सेल के पैदा होने से लेकर उसके सेल डिवीजन तक, उस सेल को मल्टीपल सेल में कन्वर्ट होने तक और फिर उसके डेथ तक की पूरी प्रोसीजर को जब स्टेप बाय स्टेप एक साइकिल से डिनोट करते हैं तो उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन, सेल साइकिल रिफर्स टू द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल, रिजल्टिंग इन डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेन टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल। यानी सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन, डीएनए का रिप्लिकेशन और एक सेल से दो सेल का डेवलप होना, मल्टीप्लीकेशन, इन सभी इवेंट्स को हम साइक्लिक एपिसोड को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल बेसिकली बताया था चार स्टेज है, G1S G2M, इस तरह से फेज चलता रहता है, इस तरह से चलता रहता है। कभी कभी कहीं कहीं पे जीवन फेज को G0 फेज भी कहते हैं, क्योंकि इस समय सेल जो है वो रेस्टिंग मोड में रहता है, और M फेज जो है वो माइटोटिक फेज है, क्योंकि वहां पे जो सेल में डिवीजन होता है, और S इन दोनों के बीच का इंटरफेज होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले 1824 में प्रीवेस्ट और डुमास दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल साइकिल के बारे में बताया, इन्होंने खोजा। एक्चुअली वो जायगोट, जो कि मेंढक के जायगोट के क्लीवेज को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसके सेल में ये एपिसोड्स आ रहे हैं, डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डेनी रेप्लिकेशन हो रहा है, तो उन्होंने उस एपिसोड के आधार पर सेल साइकिल की डिस्कवरी, और इस पूरे सेल साइकिल के दौरान एक सिंगल सेल अंतोगत्वा दो नए सेल में डेवलप होता है, यानी पैरेंट सेल से कुछ डॉटर सेल्स बनते हैं। अब सेल साइकिल के फेजेस की बात करें तो सेल साइकिल या सेल डिवीजन जो होता है, इस पर इवेंट्स होते हैं। बेसिकली इसमें एक सेल डेवलप होता है, वो मैच्योर होता है, मैच्योर होकर वो दो नए सेल में टूटता है, और इस तरह से पूरी की पूरी सेल साइकिल चलती है, एक खास तरह के फेजेस, और इनके बेस में कुछ इंटरफेज आते हैं, यानी एक स्टेप होगा तो सेल थोड़ी देर रुकेगा, फिर एक फेज आएगा, फिर रुकेगा, तो उस बेस के फेज को इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज इज द टाइम सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन व्हाइल अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, यानी सेल डिवीजन के पहले उसमें एक समय आता है जहां पे सेल ग्रोथ करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उस अवस्था को हम इंटरफेज कहते हैं। करीब 95% ऑफ सेल साइकिल का जो टाइम है वो इंटरफेज, यानी पूरे सेल साइकिल में जो बीच में विश्राम की अवस्था है वो इंटरफेज।
अब बात करते हैं जीवन फेज, जी टू फेज, सब में क्या होता है। सबसे पहले जीवन फेज की बात करें, जीवन फेज जो है एक तरह का ग्रोथ फेज है। इसमें माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, डीएनए है, आरएनए है, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, डीएनए रेप्लीकेशन होता है, और डीएनए का डिविजन होकर के एक तरह का ग्रोथ होता है। सेल डिविजन नहीं होता, डीएनए रेप्लीकेशन होता है। फिर आता है एस फेज, जिसको सिंथेसिस फेज कहते हैं। इस फेज में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो उसको हम 2n से डिनोट करते हैं, और जो कि रिप्लिकेशन के बाद 4n में कन्वर्ट हो जाता है। जीवन फेज में बेसिकली एस फेज में जो है वहां पे बेसिकली सिंथेसिस फेज हो रहा है, तो उसमें सेल ग्रोथ की चांसेस है। ये पूरा ओवरऑल दिखा रहा है कि फेजेस क्या होते हैं। तो जो आपका एस फेज जीवन, जी टू एस, एस वाले फेज में सेल ग्रोथ है और माइटोसिस के लिए सेल प्रिपेयर हो रहा है। वही जी टू देखा जाए तो फिर से एक गैप फेज है, जीवन के बाद एस, फिर एस के बाद जी टू फेज आता है। तो जी टू फेज में ग्रोथ फेज है, जहां पे आरएनए, प्रोटीन, माइक्रो मॉलिक्यूल जो भी है, ऑर्गन जो है वो इकट्ठा होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, ताकि सेल डिवीजन स्टार्ट हो सके। यानी जी टू एम फेज से जस्ट पहले जी टू फेज आता है, यानी कि ये सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। जैसे कि बुढ़ापे के लिए हम अपने जवानी में तैयार होते हैं, पेंशन वगैरह इकट्ठा करते हैं, सैलरी इकट्ठा करते हैं, कुछ फंड्स बनाते हैं, कुछ संपत्ति बनाते हैं, ताकि बुढ़ापे में हम जब कुछ काम ना कर सके तो उसको यूज करें। उसी तरह से जैसे एम फेज में डिवीजन से पहले ये सेल जी टू फेज में अपने आप को प्रिपेयर करता है, सब ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। वही एम फेज इज आपका माइटोसिस फेज है, सेल डिवीजन होता है। आपको पता है सेल डिवीजन दो प्रकार का, माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये सारे बेसिकली चार फेज में होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, तो अब ये जो चारों फेज है, तो ये बस इतना ही आपको लिखना है जब भी आपसे कोई सेल साइकिल पूछेगा। अब अगर आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये डिटेल में पढ़ना है, तो चैप्टर नंबर आपको याद होगा 1। जब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा था, तो उसमें आपने उसका प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें मैंने सेल डिवीजन के स्टेज बताए, तो वही चीज यहाँ पे रिपीट है, फिर से जरूरत नहीं है यहाँ पे पढ़ने की। अब सेल साइकिल एनालिसिस क्या होता है, कि किसी भी सेल में जो साइकिल है, कि उस समय सेल, किसी सेल को हम देखकर कैसे बताएंगे कि वर्तमान में किस स्थिति में। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को सामने खड़ा कर दें, तो आप देख के बता सकते हो किस स्थिति में है। अगर वो बुजुर्ग दिख रहा है तो वो बुढ़ापे वाली अवस्था में है, हट्टा कट्टा जवान दिख रहा है तो वो जवानी अवस्था में है, पैरों में छोटे बच्चों की तरह खेल रहा है तो बाल्यावस्था में है, थोड़ा सा स्कूल कॉलेज में है तो किशोरावस्था में, आप देख के बता सकते हैं। उसी तरह किसी भी सेल को एनालिसिस करके बताना कि वो किस फेज में चल रहा है, क्या हो रहा है, इसी को हम सेल साइकिल एनालिसिस कहते हैं। तो द सेल साइकिल प्रोफाइल ऑफ सैंपल डिटरमाइन बाय द, किस मेथड से कर सकते हैं, बाय द स्टेनिंग द डीएनए विद द फ्लोरोसेंट डाई एंड मेजरिंग इंटेंसिटी। एक प्रकार का फ्लोरोसेंट डाई होता है, उस डाई का इस्तेमाल करके, डीएनए को स्टेनिंग करके हम पता कर सकते हैं कि जो सेल है वो जीवन में है कि एस में है, कि जी टू में है, कि एम में है, किस फेज में, हम कर सकते हैं। इस तरह का डाई होता है। कौन कौन से डाई का इस्तेमाल किया जाता है ये याद कर लीजिए। एक प्रोपीडियम आयोडीन एक डाई होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लू ग्रीन लेजर या स्टेन देता है आरएनए का, और डापी यूवी वायलेट लेजर, ये दो प्रकार के केमिकल या डाई का इस्तेमाल करते हैं। कुछ डीएनए मेम्ब्रेन जो होते हैं वो परमेबल होते हैं, जो स्टेन नहीं हो सकते हैं, जैसे कि होस्टेट, ये यूवी वायलेट लेजर, और DRAQ5 रेड लेजर, ये दो प्रकार के लेजर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ डीएनए में डाई काम नहीं करता है, बस ये आपको याद रखना बेटा कि एनालिसिस, छोटा क्वेश्चन पूछेगा। प्रोटोकॉल क्या है, कैसे कैसे हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले सेल को हार्वेस्ट करिए, जिस सेल की एनालिसिस करनी है उस सेल को बाहर निकालिए, हार्वेस्ट करना मतलब उसको निकालिए, उसको कल्चर मीडिया तैयार कीजिए और उसको पीबीएस में डिस्पर्स करिए, फिर उसमें इथेनॉल डालिए ड्रॉप वाइज, और 70% इथेनॉल को वॉश कीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा आइस डालिए 2 घंटे के लिए, ताकि वो सेल सेटल हो जाए, फिर उसको पीबीएस से वॉश कीजिए, फिर क्या करिए उसमें स्टेनिंग बफर डालिए, जिसमें कि 100 μg/mL आरएनएज एंजाइम है, 50 μg/mL प्रोपीडियम आयोडीन है, और ऑप्टिकली 0.1% एक्टिव ट्राइटॉन X100, ये तीन प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करना है। फिर उसको आपको लाइट से थोड़ा सा दूर रखना, रैप करना है फॉयल में और 40 डिग्री तक छोड़ देना, इंक्यूबेट करना। जब आप सुबह देखेंगे तो आपको साइक्लोमीटर से आप उसके सेल के स्टेज को मालूम चल सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, ठीक है, ये कैसे कैसे हम करते हैं ये हो गया। अब उसके बाद बेटा ये लास्ट क्लास में हम जब आएंगे, तो वो लास्ट क्लास में हमारा क्या आएगा, यही वाला पोर्शन कि माइटोसिस और मियोसिस कितने प्रकार के होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, समसूत्री, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं,
प्लेलिस्ट में जाकर उसको सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। तो इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी लास्ट लेक्चर में हमने जाना कि सेल साइकिल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और सेल एनालिसिस कैसे करते हैं। ये दो क्वेश्चन पूछेंगे, सेल साइकिल एनालिसिस आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और सेल साइकिल के बारे में लॉन्ग में पूछ सकता है। बाकी सेल डिवीजन ये अलग से टॉपिक पूछ सकता है, लेकिन ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ चुके इसलिए यहाँ पे फिर से नहीं पढ़ेंगे। तो यूनिट 4 खत्म, छोटा सा लेक्चर था, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यूनिट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑलवेज।